नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजरें डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। कृषि उपज मंडी समिति नागपुर कलमना मार्केट के हाल ही में हुए चुनाव में महाराष्ट्र राज्य के पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार के सहयोग पैनल ने सभी 18 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से विजय चौधरी, वसंतराव लांडगे, प्रकाश नागपुरे, अजय राउत, बेनीराम राउत, अहमद शेख, बाबाराव शिंदे, रविचंद्राबाई नांदुरकर, अंजलि शिंदे, हरिभाऊ गाडबैल, अशोक सोनवाने तथा ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से संजय कुंटे, दीपक राउत, महेश चोखंद्रे, नारायण कापसे एवं व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से प्रकाश वाधवानी, अतुल सेनाड व हमाल मतदार संघ से किशोर पालांदुरकर ने सनसनीखेज जीत दर्ज की है। एपीएमसी के चुनाव परिणाम आने के बाद मंत्री सुनील केदार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मंडी समिति की ये जीत सहकारिता क्षेत्र की जीत है। इसमें सहकारिता विरोधियों को सबक सिखाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी कानूनों पर जल्द विचार किया जाएगा। जिला परिषद का ताजा चुनाव हो या बाजार समिति का चुनाव, भाजपा का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। केदार ने कहा कि आने वाले समय में सभी लोग बीजेपी को उसकी वास्तविक जगह दिखाए बिना नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति की जीत के बाद किसानों और मजदूर वर्ग को उचित न्याय मिलेगा। पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने नागपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति एपीएमसी के चुनाव में सहकार पैनल के सभी निर्वाचित प्रतिबंधियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि परिवर्तन पैनल ने विकास के नाम पर यह चुनाव लड़ा था। एपीएमसी के गेट के सामने सीमेंट कंक्रीट का रोड, कलमना बाजार के सामने ओवरब्रिज व सीमेंट के अनेक रास्ते बनाए गए। इस पर मतदाताओं ने अच्छा सहयोग दिया। उन्होंने मतदाताओं का भी आभार माना। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि निर्वाचित प्रतिनिधि समिति को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, साथ ही समिति में अनेक समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारी संस्कृति किसी धर्म से नहीं जुड़ी है। भारतीय संस्कृति वास्तव में प्राकृतिक और बहुधार्मिक है। इसलिए हमारे जीवन का तरीका सभी विचारों, धर्मों, सभी देवताओं का सम्मान करना है। ऐसी सभी अच्छी चीजें एक साथ आई और मानवतावाद बन गई। भारतीय संस्कृति में अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनकी खासियत है अनेकता में एकता। यद्यपि विचार भिन्न है किंतु हमारा राष्ट्र धर्म एक ही है। उक्त विचार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त किए। वे यहाँ रेशिमबाग स्थित भट्ट सभागृह में आयोजित लोकमत नेशनल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मंच पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक डॉक्टर आचार्य लोकेश मुनि, बीपीएस स्वामीनारायण संस्था के ब्रह्म विहारी दास स्वामी, आर्क बिशप मुंबई के कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस, जीवन विद्या मिशन मुंबई के प्रहलाद वामनराव पै, महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय तपसाधना केंद्र के संस्थापक भिक्खु संघ सेना, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ के हाजी सैयद सलमान चिश्ती, महापौर दयाशंकर तिवारी, लोकमत मीडिया एडिटोरियल बोर्ड के अध्यक्ष विजय दरडा उपस्थित थे। गडकरी ने आगे कहा कि धर्म विशेष रूप से मूल्यों से जुड़ा है। हमारे संतों, महंतों, धर्माचार्यों ने कई जगहों पर मार्गदर्शन दिया है। इसे कहीं न कहीं मूल्यों से जोड़ा गया है। रविवार को गोदरेज आनंदम सोसाइटी में भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच बड़े पर्दे पर सीधा प्रसारण किया गया था। यह भव्य आयोजन आनंदम फ्रेंड्स ग्रुप समिति द्वारा किया गया था, जिसका सभी आनंदम वासियों ने भरपूर उत्साह से आनंद उठाया। गोदरेज आनंदम में नित्य दिनों त्योहारों का आयोजन किया जाता है और सभी प्रकार के हिंदू रीति रिवाज और त्योहारों को खूब उत्साह से मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हमेशा ही बहुत जोरों शोरों से लोगों ने देखा है। इस इवेंट को एक मेगा इवेंट बनाने के लिए आनंदम वासियों ने व्यापक व्यवस्थाएं की थी। मैच के लिए गोदरेज आनंदम फ्रेंड्स ग्रुप में सेंट्रल ग्राउंड में एक बड़े पर्दे पर सभी आनंदम वासियों के लिए लाइव टेलीकास्ट रखा गया था और 200 टी-शर्ट का वितरण भी निःशुल्क किया गया, ताकि स्टेडियम वाला फीलिंग आ सके। दर्शक भी बाकायदा कुर्सियों पर बैठकर मैच का आनंद ले रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान के विरोध में तंज कसने वाले नारों के बैनर भी लगाए गए थे। 4 से 5 घंटे के इस मैच के लिए खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए थे, ताकि सभी आनंदम वासी खूब उत्साह से मैच का आनंद उठा पाए। पिछले 2 साल से सरकार और प्रशासन को निवेदन देने के बाद और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इस बारे में प्रशासन की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इस कारण मेडिकल में आने वाले हजारों मरीजों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। एमआरआई मशीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से हजारों मरीजों को निजी एमआरआई सेंटर में भेजा जाता है। वहां उन मरीजों से 8 से 12 हजार रुपए लिए जाते हैं, जो निर्धन मरीजों के लिए इतने पैसे जुटाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ मेडिकल शिक्षा ले रहे MD MS डॉक्टर भी भारी नुकसान झेल रहे हैं।
ज्ञात हो कि सेवा फाउंडेशन पिछले 3 साल से शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में आने वाले जरूरतमंद मरीज के उपचार संबंधित दवाई, जांच, वैद्यकीय उपकरण, रक्त, भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था कर रहा है। आंदोलनकर्ताओं ने इस आंदोलन के माध्यम से प्रशासन और सरकार से अपील की है कि सामान्य मरीजों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए कोई अहम कदम उठाए। इस शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष राज खंडारे, पुरुषोत्तम भोसले, ललित वंजारी, निकेश चौहान, श्रेयस लाखे और सेवा फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित थे। उत्तर नागपुर में एक दिन में 3 पानी की टंकियां समर्पित कर उत्तरी नागपुर में पेयजल की समस्या का समाधान किया गया है। ये विचार पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने व्यक्त किए। वे वांजरा और कलमना में पानी के टंकियों के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन पानी की टंकियों का निर्माण जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनर्निर्माण मशीन के तहत नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किया गया है। इसी अवसर पर नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष मनोज कुमार सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता लीना उपाध्याय, कार्यपालक अभियंता संजय बोहेकर उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर राउत ने कहा कि उत्तर नागपुर पिछले कई वर्षों से पेयजल की समस्या से जूझ रहा था। पालक मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस समस्या को हल करने का फैसला किया। एक दिन में करीब 50 लाख लीटर पानी बांटा जाएगा। इससे उत्तर नागपुर के अविकसित क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करने में सफलता मिली है। इस अवसर पर राजेंद्र करवाड़े, राष्ट्रीय समन्वयक अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी, रत्नाकर जयपुरकर, उपाध्यक्ष नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी मूलचंद मेहर, अध्यक्ष कांग्रेस ब्लॉक नंबर 15 उत्तरी नागपुर हरिभाव कृपाने, पार्षद दिनेश यादव, पूर्व पार्षद सिंधु उइके आदि उपस्थित थे। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के तहत महमूदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था नागपुर अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. अनिस अहमद, तुषार मिश्राम, डायरेक्टर DDUGKY, डॉ. SM राजन, डायरेक्टर लॉ कॉलेज, मदन कुमार कड़वे, प्राचार्य सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, श्रीमती स्वाति बोधनकर, प्राचार्य सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सागर ठाकरे, प्राचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, डॉ. स्वाति राउत, प्राचार्य सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डॉ. सीमा चिखले, प्राचार्य सेंट्रल इंडिया वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन और यास्मिन सिद्दीकी, प्राचार्य सेंट्रल इंडिया अध्यापक विद्यालय उपस्थित थे। विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्रों के नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गोंदिया, अमरावती के विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स के अंतर्गत रिटेल तथा हॉस्पिटैलिटी कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में व्यक्तिमत्व विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। पढ़ाई के दौरान अभ्यासक्रम के अतिरिक्त उपक्रम में फूड फेस्टिवल द्वारा दोनों कोर्स के छात्रों को रिटेल में ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है, ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करना है तथा हॉस्पिटैलिटी में विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ कैसे बनाना और कैसे सर्व करना हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौ माता की सेवा करने का मौका नवोदय बिजनेस एसोसिएशन के सदस्यों को रविवार को मिला। नवोदय बिजनेस एसोसिएशन सदस्य संस्थापक मनोहर लाल आहूजा के नेतृत्व में पदाधिकारी उज्जवल गोरक्षण बहादुर उमरेड रोड पर पहुंचे और वहां पर प्रभु उज्जवल गोरक्षण के अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने पूरा समय हमारे साथ रहकर पूरी गौशाला में घुमाया और गायों की हर लाभदायक बातों की जानकारी दी। सभी सदस्यों ने गायों को अपने हाथों से गुड़ और घास खिलाकर पुण्य कमाया। वामन धुले और राजेंद्र अग्रवाल का जन्मदिन भी गौ माता की सेवा के साथ मनाया गया। अंत में गौशालों को 5,100 रूपए सभी सदस्यों की तरफ से दिए गए। इस अवसर पर नवोदय बिजनेस एसोसिएशन के रामावतार अग्रवाल, सुनील गुलाटी, अशोक जैन, नरेश पौनीकर, लक्ष्मण किशोर, रमेश साहू पालीवाल, ब्रजलाल शर्मा आदि उपस्थित थे। शहर में इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में पधारे BAPS स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संत व प्रखर वक्ता परम पूज्य साधु ब्रह्म विहारी दास व नागपुर मंदिर के वरिष्ठ संत परम पूज्य साधु प्रेम प्रकाश दास के साथ नागपुर स्वामीनारायण मंदिर में भाजपा पूर्व नागपुर मीडिया प्रमुख व समाजसेवी मनोज अग्रवाल ने मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा के चिंतन कक्ष में शनिवार 23 अक्टूबर शाम 6 बजे परिचर्चा के अंतर्गत अध्यक्षता करते हुए डॉ. शशिवर्धन शर्मा ने नाटक तकनीकी कितना जरूरी पर कहा, एक सार्थक चर्चा हुई और ज्ञानवर्धक रही। नाटक के कई पहलू आज श्रोताओं को समझे। उन्होंने अपने वक्तव्य में आगे कहा
कि हमारे जमाने में राम नाटक होते थे और कई घटनाएं हास्य भी उत्पन्न करती थी। प्रस्तावना में महाराष्ट्र भाषा सभा के विध्वस्त नरेंद्र परिहार ने संस्था की गतिविधियों के साथ नाटक के सभी तकनीकी विवरण के साथ उनके महत्व व नाटक में असर का खुलकर विस्तार सहित रखा। कवि अभिनेता कृष्ण कुमार द्विवेदी ने कहा कि नाटक कई प्रकार के होते हैं। उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट, नुक्कड़, एकपात्रीय, एकांकी के साथ बताया। नाटक मूलतः जनजागरण, ज्वलंत विषय को लेकर प्रस्तुत करते हैं। स्क्रिप्ट लेखक विजय कुमार श्रीवास्तव ने नाटकों के आए बदलावों पर व तकनीकी विकास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संयोजक ने संचालन करते हुए डॉक्टर प्रकाश काशिव ने नकलों, स्वांग आदि पहलुओं को भी समायोजित कर रामलीलाएं के दृश्य व्यक्त। नरेंद्र परिहार व द्विवेदी ने अभिनय के साक्षात दृश्य प्रस्तुत किए। आभार के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। नागपुर सिंधी रंगमंच के भीष्म पितामह स्वर्गीय सुंदर बूटानी की स्मृति में सिंधी कलाकारों को सुंदर कला संगम की ओर से अध्यक्ष किशन आसुदानी द्वारा प्रस्तावित नाट्य सौरभ अवार्ड के वितरण समारोह का आयोजन हाल ही में किया गया। संत बाबा हरदास राम सेवा मंडल में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता साधना सहकारी बैंक के अध्यक्ष घनश्याम दास कुकरेजा ने की। इस अवसर पर पूर्व स्थायी समिति के चेयरमैन वीरेंद्र कुकरेजा, फिल्मी हीरो जीतू वाजिरानी, डायरेक्टर दीपक त्रिपाठी, नगर सेविका प्रमिला मथरानी, साधना सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष विनोद लालवानी, स्वर्गीय सुंदर बुटानी के सुपुत्र डॉक्टर गर्मुख बुटानी, सुंदर कला संगम के अध्यक्ष किशन आसुदानी, ललित अंबवानी, साहित्यकार डॉक्टर विनोद आसुदानी, सिंधुड़ी यूथ विंग के संस्थापक संयोजक तुलसी सेतिया, भारतीय सिंधु सभा अमरावती के महासचिव पंडित दीपक शर्मा, वरिष्ठ रंगकर्मी हरभगवान नागपाल, एडवोकेट ओम हरि रामानी, एडवोकेट राजेश लालवानी प्रमुखता से मंच पर उपस्थित थे। सर्वप्रथम अतिथियों व पदाधिकारियों ने इष्ट देव झूलेलाल, माँ सरस्वती तथा स्वर्गीय सुंदर बुटानी के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा ज्योति प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रस्तावना अध्यक्ष किशन आसुदानी ने रखी। अतिथियों का स्वागत संस्था के सचिव अशोक जेसवानी, संजय नागरानी, जयराम रामरख्यानी, परसराम चेलानी, डॉक्टर मीरा जारानी, लता भागिया, रतन मूलचंदानी आदि ने किया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के द्वारा ज्योति चेलानी, सुश्री सुनीता रुगवानी को हिंदी विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। ज्योति चेलानी फतेह चंद केसवानी सिंधी हिंदी गर्ल्स हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज में अध्यापिका है। उन्होंने ये शोध प्रबंध दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य और उदय अकेडमी की वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर वंदना खुशलानी के मार्गदर्शन में किया है। ज्योति चेलानी का शोध विषय 21वीं सदी के युवा कथाकारों की कहानियों में अभिव्यक्ति समकालीन यथार्थ का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। अपने पीएचडी का श्रेय अपनी मार्गदर्शिका, अपने पति श्याम चेलानी, बच्चों व परिवार के सभी सदस्यों और मित्रों को दिया है। शोध छात्रा ने शोध अध्ययन सामग्री में सहायता करने हेतु राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज के हिंदी विभाग के ग्रंथालय, विभागाध्यक्ष एवं अन्य प्राध्यापकों का आभार माना। सोनी मराठी चैनल पर प्रसारित गाथा नवनाथाची और ज्ञानेश्वर माउली सीरियल अब अक्टूबर से 1.5 घंटे तक के लिए प्रसारित होने जा रही है, जिसे दर्शकों की भक्तिपूर्ण खुशी दोगुनी हुई है। अब दर्शक शाम 6:30 बजे से इसका आनंद उठा सकते हैं। 1.5 घंटे की नवनाथ की सीरियल में मच्छिंद्रनाथ का महिला राज्य में आगमन होने के बाद प्रदेश की महिलाओं में नाथ को लेकर उत्सुकता है। मैनावती जल्द ही नाथ से शादी कर सकती है। दर्शकों को जवाब मिलेगा कि क्या मैनावती द्वारा भेजे एक संदेशों का स्वीकार नाथ करेंगे या नहीं। सीरियल में बड़े गोरखनाथ भी प्रवेश करेंगे। गुरु संकट में है और गोरखनाथ की यात्रा उन्हें खोजने और उन्हें उस परेशानी से बचाने के इरादे से शुरू होती है। वहीं ज्ञानेश्वर माउली सीरियल में माता पिता के प्रायश्चित के बाद माउली और उसके भाई बहनों का कठिन सफर शुरू होगा। जब मुक्ताई बीमार पड़ जाती है तो माउली खुद सप्तपर्णी लाने के लिए घने जंगल में चले जाते हैं और उसका सांप से सामना होता है। माउली से प्रेरित दिवाली अभंग, उनके द्वारा मनाई गई दिवाली, शुद्धि पत्र के लिए पैठन यात्रा शुरू और माउली द्वार परिपाठ का निर्माण, ये सब घटनाओं का आनंद दर्शक ले सकते हैं। हाल ही में हन्नी खट्टर को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया नागपुर शहर व ग्रामीण के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। उन्हें ये नियुक्ति पत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर जयपुरकर, सुरेश जग्यासी, अजीत सिंह व सतीश पाली के हाथों डॉक्टर नितिन राउत के निवास स्थान पर दिया गया। हन्नी खट्टर कला जगत के जाने माने युवा हैं, जिन्होंने कई सारे सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य किए हैं व उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। कई विद्यार्थियों के लिए आज वह प्रेरणा स्रोत है। हनी खट्टर ने अपनी इस नियुक्ति के लिए रत्नाकर जयपुरकर, सूरज जग्यासी, अजीत सिंह व सतीश पाली का धन्यवाद माना। वह अपनी इस नियुक्ति पर एक बेहतर भारत बनाने का प्रण लिया। हनी खट्टर ने कहा कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के जरिए वे विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगे, वो उनकी समस्याओं का हल निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे।
इसी कार्यक्रम में आशीष मंडपे, प्रतीक कोल्हे, कुणाल चौधरी, अनिरुद्ध पांडे, प्रणय सिंह ठाकुर, चेतन मेश्राम, सौरभ कालमेघ, दयाशंकर शाहू, ओवेस जैनुल, रौनक नांदगावे, रोयल गेडाम, विद्यासागर त्रिपाठी, गौरव भुजाड़े, रहमान खान, तेजस सोनकुसरे, सीमांत गायकवाड़, हर्ष बर्डे, राजरतन रामटेके, प्रवीण कड़बे, मिथिलेश राजमाने, शिवशंकर शाहू व प्रकाश मिश्रा उपस्थित थे। सांसद कृपाल तुमाने ने डॉक्टर अमित बिजन दत्ता द्वारा लिखित पुस्तक अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का पिछले दिनों आधिकारिक विमोचन किया। सांसद कृपाल तुमाने द्वारा पुस्तक पर रिबन खोलकर और लेखक डॉक्टर अमित बिजन दत्ता के लिए एक प्रति पर हस्ताक्षर करके पुस्तक का शुभारंभ किया गया। सांसद तुमाने ने कवर किए गए विषयों की सराहना करते हुए पुस्तक की सराहना की और इस तरह के एक महत्वपूर्ण विषय पर काम करने के लिए डॉक्टर अमित दत्ता को बधाई दी। उन्होंने अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए सफलता की भी कामना की। अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए डॉक्टर अमित दत्ता ने कहा कि लोकसभा सदस्य से प्रशंसा प्राप्त करना एक उपलब्धि है। तेजस बहुउद्देशीय संस्था के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर अरगुलेवार ने केंद्रीय बल में हवलदार के पद से त्याग पत्र देकर समाज सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर लोक सेवा में लगा दिया है। इसी क्रम में उनके मार्गदर्शन में तेजस संस्था परिवार एवं तेजस संस्था सहयोगी कामठी छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार भूटानी, शांतता समिति के केंद्रीय अध्यक्ष, कामठी रेलवे सलाहकार समिति सदस्य तिवारी गैस के संचालक जयप्रकाश तिवारी, विदर्भवादी नेता सुनील चोखारे, सामाजिक कार्यकर्ता राजू अग्रवाल, समाज सेवक शिल्पी टिड्डावाल, बिल्डर अशोक धाबोड़कर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय मालचे, चुना कामठी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल शिरे, नालंदा प्रेस के शुद्धोदन पाटिल, बैंक ऑफ बड़ौदा सेवानिवृत्ति प्रमोद टेम्बुर्णीकर, समाज सेवक दुर्गा पाली, संपादक एम ए जब्बार आदि के सहयोग से छोटी अजनी जूनी खलासी लाइन कदर झंडा में जरूरतमंदों को 10 किलो चावल 10 किलो गेहूं वितरण किया गया। कार्यक्रम के सफलतार्थ संस्था के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर अरगुलेवार, उपाध्यक्ष देवीदास पिटारे, मार्गदर्शक विनोद कासरी, मार्गदर्शक रहीम शेख, सदस्य नरेश शिंदे, सदस्य मिजबा रहमान, सदस्य अशोक पाटिल आदि ने अपना योगदान देकर सहकार्य किया। स्थानीय सेठ केसरीमल पोरवाल कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं NUHMUPHC तथा नगर परिषद कामठी के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर संपन्न हुआ। शिविर में कॉलेज के 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले छात्र छात्राओं का कोविड-19 टीकाकरण किया गया। शिविर में कुल 101 छात्र छात्राओं समेत कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने भाग लिया। कार्यक्रम में अतिथि रूप में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. महेंद्र बागड़े, उप प्राचार्य डॉ. रेणु तिवारी, रजिस्ट्रार स्वप्निल राठौड़ और राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विनोद शेंडे उपस्थित थे। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी करने हेतु उपजिला अस्पताल की वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शबनम खानूनी के नेतृत्व में NUHM की टीम आई। कामठी तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉ. संजय माने एवं वैक्सीनेशन इंचार्ज नर्स शीतल भागवत ने शिविर सफलतार्थ संपन्न होने हेतु विशेष प्रयास किया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु डॉ. रागिनी चहांदे, डॉ. स्वप्निल दहाट, डॉ. मनीष चक्रवर्ती, डॉ. प्रशांत बांबल, डॉ. सिद्धार्थ मेश्राम, डॉ. जयंत राम टेके, डॉ. गिजाला हाशमी, डॉ. जितेंद्र तागड़े, डॉ. अजहर अबरार, प्रोफेसर शिल्पा हिरेखंड, गिरीश संगेवार, वेंकट बाबू, विलास पजई व किशोर गबड़ आदि ने विशेष प्रयत्न किए। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विनोद शेंडे ने सभी का आभार व्यक्त किया। कोंढाली वन परिक्षेत्र के पुसागोंदी में एक पांजरा काटे गांव में भटकने वाले एक नीलगाय के घायल बछड़े की पुरुषोत्तम हागवने नामक किसान ने जान बचाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोंढाली वन परिक्षेत्र के पुसागोंदी वन बीट के किसान पुरुषोत्तम हागवने अपने खेत पर पहुंचे तब उनके खेत के पास नीलगाय का बछड़ा दिखाई दिया जिसके मुंह पांव तथा माथे पर गंभीर चोटें नजर आई। घायल बछड़े को किसान ने पहले पानी पिलाया इसके बाद उसने कोंढाली वन परिक्षेत्र के वन अधिकारी निशिकांत काबगते को घायल रोही के बछड़े की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी ने ऑन ड्यूटी उपवन अधिकारी SR सोनवा ने कर्मचारी नंदकिशोर धोटे, किशोर कुशलकर तथा पुंडलिक राव सरोदे घटनास्थल पर पहुंचे। कर्मचारियों ने बछड़े को रेस्क्यू कर उसे उपचार के लिए यहां के सरकारी पशु चिकित्सक के पास ले गए। उस पर उपचार करने के बाद स्वस्थ हुए बछड़े को वन विभाग द्वारा जंगल में छोड़े जाने की जानकारी उपवन अधिकारी SR सोनवाने ने दी। ग्राम पंचायतों के स्ट्रीट लाइट के बिल ग्राम विकास मंत्रालय के मिनी मंत्रालय जिला परिषद द्वारा अदा किया जाता था पर अचानक कोरोना संक्रमण के संकट का हवाला देते हुए
ग्राम को केंद्र तथा राज्य सरकारों से गांव-गांव के विकास कार्य के लिए मिलने वाले वित्त आयोगों के अब के 15 वित्त आयोग के विकास निधि पर गई और इस विकास निधि में से स्ट्रीट लाइट तथा पेयजल आपूर्ति के लिए बिजली बिल भरने के 15 वित्त आयोग ने निधि से खर्च करने के शासन परिपत्रक जारी किया, जो कि 15वें वित्त आयोग के अनुदान में से पथदीप यानी स्ट्रीट लाइट व पेयजल आपूर्ति के बिजली बिल आपूर्ति करने के विषय पर महाराष्ट्र शासन परिपत्रक के तहत 15वें वित्त आयोग के अबंधित तथा बंधित इन दोनों प्रकार के अनुदान स्वरूप प्राप्त होने वाले ग्राम विकास की निधि में से ग्राम पंचायत को स्ट्रीट लाइट तथा पेयजल आपूर्ति के बिजली पंपों के बिल अदा करने के निर्देश का शासन परिपत्रक जारी किया गया है। इस परिपत्रक अनुसार कोरोना संकट काल में ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवा देते समय अस्पतालों में बिजली के उपकरण संचालन तथा स्ट्रीट लाइट के बिल आपूर्ति न होने से बिजली विभाग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। महल परिसर में शुभम वाघमारे एवं मित्र परिवार की ओर से पौधे बांटे गए। इस अवसर पर महल कर्नल बाग मॉडल मिल परिसर के घरों में एक एक पौधा बांटा गया। इसकी शुरुआत सीनियर भोसला पैलेस के श्रीमंत डॉक्टर मुधोजी राजे भोसले एवं श्रीमंत रघुजी राजे भोसले पंचम का आशीर्वाद लेकर की गई। दशहरा के अवसर पर शमी के पत्तों का बड़ा महत्व होता है, लेकिन उसकी कटाई होने के कारण पर्यावरण का बड़ा नुकसान होता है। यही ध्यान में रखते हुए ये पौधे बांटे गए। इस अवसर पर संकेत बनकर, केतन जुगेले, शांतनु बनकर, अखिल बनकर, ऋतिक गायकवाड़, आदर्श बनकर, मयूरेश वाघमारे, शानू जुगेले, आदित्य वाघमारे, ऋषभ ठाकरे, रोहित वाघमारे, अक्षय वाघाड़े आदि उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।